हाय बच्चों, आर यू? आज मैं आप लोगों को एक चुटकुला सुनाने जा रहा हूं। आप लोग यूं तो बहुत सारे चुटकुले सुने होंगे, लेकिन आज मैं जो सुनाने जा रहा हूं उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की लड़ाई, प्यार भी है, नोकझोंक भी है। तो हुआ यूं कि एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में दोस्ती हो गई। ओहो, काफी अच्छी खासी दोस्ती थी। लेकिन एक बात थी ना कि ऑक्सीजन बहुत घमंडी थी। क्या थी? बहुत घमंडी। क्यों घमंडी थी? क्योंकि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, इसलिए उसे घमंड था। क्या मेरा तो इतना परसेंट है, जबकि हाइड्रोजन का सिर्फ 1%। एक दिन दोनों सहेलियों में बातचीत हुई। दोनों ने कहा, अरे चलो भाई, आज हम लोग घूमने चलते हैं। दोनों सहेलियां तैयार हो गई, चलो घूमने निकली। घूमते घूमते अचानक उनकी नजर कुछ ऐसे चीज पर पड़ी। उसने देखा कि एक झाड़ी के पास कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। वे डर गए, किंतु अपने हिम्मत को नहीं खोया। धीरे धीरे उसके पास गई और पास जाकर देखा तो वहां काला सा, कलूटा सा जो था वो कौन था? आयरन था। को आयरन, आयरन ने ऑक्सीजन को कसकर जकड़ लिया। उसके जकड़ते ही ऑक्सीजन का दम घुटने लगा, घुटने लगा, है ना? वो जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हाइड्रोजन ने आयरन से बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत विनती की कि भैया मेरी सहेली को छोड़ दो, मेरी सहेली को छोड़ दो। मगर नहीं, आयरन ने छोड़ा ही नहीं। हाइड्रोजन अपनी सहेली की हालत को देखकर रह नहीं सकता। वह उसे छुड़ाने गई तो ऑक्सीजन चिल्ला पड़ी, नहीं, पास मत आना, पास मत आना, ये तुझे भी पकड़ लेगा, फिर तुम भी नहीं छूट सकोगे, क्योंकि इसने मुझे जकड़ रखा है और मैं छूट नहीं पा रही। हाइड्रोजन बेचारी सहेली को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी ना? तो उसने रिड्यूसिंग एजेंट की मदद ली, शायद कुछ बात बन जाए, है ना? तो रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से आयरन पर हमला बोला। आयरन का ऑक्सीजन जो था, है ना, तो वहां पर उसने क्या देखा कि थोड़ा डामाडोल हुआ, ऑक्सीजन का उस पर असर हुआ। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया और उस पर जंग लगने लगा। तो अब तो आयरन की हालत पतली हो गई और वह ऑक्सीजन को छोड़कर
भाव खड़ा है। ओके, कैसा लगा? मजा आया ना? अच्छा चलो हम लोग इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर एक और बात कर लेते हैं। एक बार हुआ यूं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों झगड़ पड़े। उसे गुस्सा था, गुमान था किसको? ऑक्सीजन को। उसे गुमान था कि वायुमंडल में उसका 21% है। उसने कहा वायुमंडल में हमारा 21% है, तुम्हारा कितना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने थोड़ा सा मुंह को टेढ़ा करते हुए कहा, है तो 1%, पर क्या इसका मतलब क्या? मैं 1% हूं तो हूं। खैर, हाइड्रोजन को है ना वह कुछ नहीं समझती थी, उसमें अभिमान था, घमंड था कि मैं ही बड़ी हूं, मैं मेरी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। दोनों ने अपना क्या किया, दोनों में मन मुटाव हो गया और उसी के कारण क्या हो गया, दोनों में दोस्ती टूट गई है ना। एक बार क्या हुआ कि पड़ोस के एक घर में आग लग गई, लोग दौड़ते हुए इधर उधर होते जा रहे थे, भाग रहे थे, अरे कोई देखो रे आग लगा रही, आग लगा रहे, आग लगा रहे, आग लगा रहे। किसी ने सोडियम को रोक कर पूछा, इसको पूछा सोडियम को रोक कर पूछा, अरे भाई क्या हुआ? जवाब मिला, अरे ऑक्सीजन के घर में आग लग गई है। आग? हाइड्रोजन ने पूछा, आग आग क्यों नहीं बुझाते हो? आग लग गई तो बुझाना चाहिए। आग बुझाने के लिए पानी कहां से लावें? हाइड्रोजन ने कहा, क्यों पानी कहां से लावें, ये कोई बात हुई? तो उसे जवाब मिला, कहां से लाए पानी, तुम दोनों तो पहले मिलते थे तो पानी बनता था। मालूम है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से वाटर बनता है। तो पहले जब मिलते थे तो पानी बनता था, पानी बनता था तो पानी मिला। अब तुम दोनों झगड़ गए हो, दोनों अलग अलग हो गए हो, तो पानी कहां से मिलेगा? ऑक्सीजन अपना घर बुझाना चाहती है तो वो बुझाने जितना नजदीक जाती है और धधकता है। आपको पता है ना, ऑक्सीजन आग को जलने में मदद करता है, वो जितना चाहेगा उतना और तेजी से आग फैलेगा। पर तो उसने बताया, तुम दोनों झगड़ गए, अब तुम दोनों दो साइड हो तो पानी कहां से आ गई, तुम दोनों की दोस्ती तो टूट चुकी है। पता है ऐसा किसने कहा था? अरे सोडियम ने कहा था, क्योंकि रास्ते में सोडियम ही मिला था ना। हाँ, तो अब सोडियम ने कहा, हाय मैं आग कैसे बुझाऊं, अब क्या होगा? हाइड्रोजन भी घबरा गई, ऑक्सीजन जब भी आग बुझाने का कोशिश करती आग तेज हो जाता है ना, आग और भड़क पड़ती। तो सोडियम की आवाज कांप उठी, कोई बचाओ रे, बचाओ बचाओ। हाइड्रोजन ने चिल्लाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के घर दौड़ पड़ी। क्यों? आखिर दोस्त दोस्त के काम आता है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के घर दौड़ पड़ी और हाइड्रोजन नजदीक पहुंचकर ऑक्सीजन का हाथ पकड़ा और
जलती हुई आग पर कूद पड़ी। दोनों के मिलते ही वाटर का निर्माण हो गया और आग पर काबू पा लिया गया। दोनों मित्र शर्मिंदा थे, हाइड्रोजन उससे माफी मांगा, दोनों की दोस्ती फिर से अटूट बन गई। और आज भी बच्चों, आपको पानी मिलता है तो पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से वाटर मिलता है। आपको एक बात और याद होगा, आपको इतना जान रहे हो मंगल ग्रह पर पानी है या नहीं है, चंद्रमा पर पानी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सामान्य रूप से नहीं है। इसी के अभाव के कारण वहां पर पानी नहीं है। जहां पर ये दोनों गैसें होंगी वहां पर पानी जरूर होंगे। समझ गई बात? समझ में आई नहीं बात? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।